नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दलित समुदाय यानी चमार जाति के कुल देवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना कि हर एक जाति धर्म की कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं। उसी प्रकार इस दलित समुदाय के भी कुल देवी हैं और कुल देवता हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि चमार जाति की कुल देवी कौन है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप भी एक दलित समुदाय ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए वहीं पे बात करते हैं कि चमार जाति की कुल देवी कौन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं को अनेक महत्व दिया जाता है, जैसे कि लक्ष्मी के बिना विष्णु अपूर्ण हैं, सरस्वती के बिना ब्रह्मा अपूर्ण हैं, उसी तरह पार्वती के बिना शिव शंकर अपूर्ण हैं, उसी तरह कुल देवी और कुल देवता के बिना भी धर्म अपूर्ण है। जहाँ तक कि कुल देवी का प्रश्न है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चमरिया देवी यानी चमार समुदाय की कुल देवी हैं, यानी जिन्हें माता चमरिया कहा जाता है। चमरिया देवी को माता शक्ति का एक शक्तिशाली रूप माना जाता है। इन्हें देवी चमरिया या परमेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मुख्य रूप से राजस्थान और अन्य आसपास के राज्यों में इनकी पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी चमरिया बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों और समस्याओं से बचाती हैं। इनके अलावा चमार समुदाय की कुल देवी के रूप में देसाई माता, चंडी माता और मरही माता का भी उल्लेख मिलता है। हम चमार समुदाय के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हमें उनकी कुल देवी के बारे में बताएं, ताकि इस लेख को और बेहतर किया जा सके। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किनकी पूजा करते हैं और किन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।